students, let's continue our exercise 11.1, question number 7. So, we are learning algebra, जिसमें हम लोग alphabet जो होते हैं ना, ABCD के letters, उसका use करते हैं mathematics में, और उसको बोलते हैं algebra. Radha is drawing a dot rangoli. Question 7 में क्या दिया है? Radha जो है वो रंगोली बना रही है. A beautiful pattern of lines joining dots. किस तरह की रंगोली बना रही है? Dots join करके रंगोली बना रही है. With chalk powder. She has 9 dots in a row. उसकी एक लाइन में, एक रो में 9 dots है. How many dots will her rangoli have for R rows? अब मैंने जैसे सिखाया ना कि कुछ नंबर फिक्स ना हो ना, तो उसको जैसे अल्फाबेट का यूज देते हैं. तो यहाँ पे उसने बोला कि आर लाइन होगी, आर रॉ होगी, तो कितने डॉट्स लगेंगे. तो हमको पता नहीं है कि ऐसी एक के बदले और कितनी रॉज है, तो उसको बोला है आर. तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. अगर यहाँ पे चार रॉ होगी तो 9 × 4 = 36 डॉट लगेंगे. अगर 5 रॉ होगी तो 45 डॉट्स लगेंगे, क्योंकि 9 × 5 करेंगे. तो अगर R रॉ है तो 9 × R हो जाएगा, इसलिए आंसर आ जाएगा 9R. तो आप लोग क्वेश्चन लिखोगे और फिर उसके आंसर यहाँ पे लिखोगे कि इफ़ 9 रॉज आर देयर, नहीं सॉरी, इफ़ R रॉज आर देयर, देयर विल बी 9R डॉट्स. फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 8 रॉज. तो फिर तुम लोग लिखोगे इफ देयर आर 8 रॉज, देयर विल बी 9 × 8 रॉज. इसलिए 9 × 8 = 72 डॉट्स, बराबर. और थर्ड क्वेश्चन, इफ देयर आर 10 रॉज, 10 रो होंगे तो 9 × 10 रॉ, तो ये हो जाएंगे 90 डॉट्स, बराबर. ये तीन क्वेश्चन है इसमें, तो तीन आंसर 9R, 72 डॉट्स एंड 90 डॉट्स होंगे. चलो क्वेश्चन नंबर 8. लीला इज राधा यंगर सिस्टर. लीला जो है ना वो छोटी है और राधा से, मतलब राधा बड़ी है. लीला इज राधाज यंगर सिस्टर. लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है. लीला इज 4 ईयर्स यंगर देन राधा. अब लीला कितनी छोटी है? 4 ईयर्स, 4 साल लीला छोटी है. कैन यू राइट लीलाज एज इन टर्म्स ऑफ राधाज एज. अब आप लोगों को एलजीब्रा का यूज करके लिखना है. क्या लिखना है? लीला की एज लिखनी है. टेक राधाज एज टू बी एक्स ईयर्स. तो देखो यहाँ पे बोला है कि राधा की एज एक्स मानो, तो लीला तो राधा से छोटी है. और कितनी छोटी है? लीलास एज इज, लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है. मतलब जो राधा एक्स है ना, उसमें से 4 साल हम निकाल देंगे तो आ जाएगी लीला की एज. तो हमारा आंसर हो गया एक्स माइनस 4. यहाँ पे आप लोग लिखोगे, ये वाला लिख देना क्वेश्चन लिख के, बराबर. तो चलो नेक्स्ट है, मदर हैज़ मेड लड्डूज. मम्मी ने क्या बनाया? लड्डू बनाया. शी गिव्स सम लड्डूज टू गेस्ट एंड फैमिली मेम्बर्स. कुछ लड्डू उसने गेस्ट को दिए और फैमिली मेम्बर्स को दिए. स्टिल 5 लड्डूज रिमेन. तो भी 5 लड्डू है ना बच गए. इफ द नंबर ऑफ लड्डूज मदर गेव अवे इज एल. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मम्मी ने जब लड्डू फैमिली और गेस्ट को दिए ना, वो एल है. हाउ मैनी लड्डूज डिड शी मेक. तो उसने टोटल कितने लड्डू बनाए होंगे. तो हमको बताया गया है कि 5 लड्डू बच गए हैं, तो टोटल कितने लड्डू बने होंगे. तो लड्डूज मदर गेव अवे इज एल. लड्डूज मदर गेव अवे इज एल. देयरफॉर, एंड लेफ्ट ओवर लड्डू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 5 लड्डूज रिमेन.
therefore total laddu is equal to जो मेहमानों को दिए वो L और पांच जो बचे हैं वो, तो टोटल हो गया हमारा L प्लस 5, L मेहमानों को दिए और फैमिली वालों को और पांच बचे हुए, तो टोटल कितने बनाए होंगे, L प्लस 5 लड्डू बनाए होंगे। इस तरह से अलजेब्रा का यूज़ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेज इनटू स्मॉलर बॉक्सेज, बड़े बॉक्स में से छोटे बॉक्स में ऑरेंजेस को निकाल रहे हैं। When a large box is emptied, the oranges from it fill two smaller boxes and still 10 oranges remain outside. अब हुआ क्या कि जब खाली हुआ ना बड़ा बॉक्स, तो क्या था, दो छोटे बॉक्स भर गए और 10 oranges और बच गई। If the number of oranges in a small box are taken to be x, अब यहाँ बताया है कि छोटे बॉक्स में जो oranges है ना वो x है, तो वॉट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, तो बड़े बॉक्स में कितनी ऑरेंजेस होगी टोटली। तो देखो, ऑरेंजेस इन अ स्मॉलर बॉक्स इज एक्स, और क्या वर्ड्स क्या उसने यूज किया है बची हुई को, कि स्टिल 10 oranges रिमेन आउटसाइड, तो हम लिखेंगे 10 oranges रिमेन आउटसाइड, therefore टोटल oranges इज इक्वल टू, अब दो बॉक्स भरे वो भी ध्यान में रखना, सिर्फ x नहीं, टोटल कितने छोटे बॉक्स कितने हैं दो, तो टोटल oranges इज इक्वल टू 2x, क्योंकि दो छोटे बॉक्स है इसलिए 2 into x प्लस और 10 बच गई है ना बाहर, तो ये होगा बड़े बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं इतनी। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन 11 और 12 है ना, वो पैटर्न टाइप है, आपको समझ में आए तो करना, वरना वो ऑप्शनल है, बराबर, उसको इट इज़ नॉट कंपल्सरी। बाकी यहाँ तक आपको पूरा अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के साथ ये मैंने जो लिखा वो आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और मंडे को तो आप लोग स्कूल में आओगे ना, तो हम लोग आगे स्कूल में सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का नेक्स्ट वीडियो में, या वीडियो में भी नहीं, अब तो स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो टिल देन बाय बाय।